महम्मद सल रसोलकर फ़ाउज़ बिमिनी बसमिल्लिम सामियन महतरम अजीज़ तलबा आज का हमारा जो सबक है वो सूरतनाज़ियात के बारे में है इस सबक में हम सूरतनाज़ियात के बारे में इसका तारफ़ हासिल करेंगे और जो इसमें मरकज़ी मजामी बयान हुए हैं उनके बारे में गुफ्तु करेंगे और इसके अलावा अमूमी जो मजामी बयान हुए हैं और निकात हैं उनके बारे में गुफ्तु करेंगे और आखिर में इस सबक की जो मशक है मशक़ी सवाल हैं उनका हल पेश करेंगे तो आइए शुरू करते हैं शुरत ननाज़ियात नाजियात की वजह तस्मिया क्या है जी नाज़ियात कमानी है सख्ती से खींचने वाले इस सूरत के शुरू में फ़रिश्तों की मुख्तल सिफ़ात बयान की गई हैं जिनमें से एक सिफत है सख्ती से काफ़र की रूह खींचने वाले इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरतनाज़ियात है रखा गया है तो जो इसका मरकज़ी मजमून है सूरत का वह है जी आखरत का इनकार करने वालों के इबरतनाक अंजाम का बयान है और जो जमू मजामी इसमें बयान हुए हैं और इलमी नकात हैं वो दर्जा झैल हैं कि इस सूरत में के आगाज़ में अल्लाह ने फरिश्तों की किस्में बयान फरमा कर क्यामत के वाक़ होने का बयान फरमाया है इसके बाद याद दहानी के लिए हज़र मूसम की दावत तोहद का जिक्र है और के की अंजाम का बयान फरमाया है फन आखरत का इनकार करता था और खदाई का दावा दावेदार था वो ज़मीन पर फसाद बरपा करता था जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इसे दुनिया और आखरत में इबरत का निशान बना दिया इसमें यह नसीहत है कि पिछली कौमों के किस्सों से हमें सबक हासिल करके अपनी असलाह करनी चाहिए तो इसके अलावा जो मजमून बयान हुआ है सूरत में सूरत नवाज़ियात में इसमें अल्लाह ताला ने इस तजीम कायनत को पैदा फरमाया इसके लिए क्यामत को कायम करना और इंसानों को मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करना बहुत आसान है नाज़ियात में आखरत का इनकार करने वालों को ईमान लाने की तरगीब दी गई है और क़्यामत के दिन नेक और बुरे इंसानों का अंज़ाम बयान किया गया है नाज़ियात के आखिर में बताया गया है कि कियामत के वाक़ होने का हतमी इलम सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है हमें क्यामत के वक़्त के बारे में सवाल जवाब करने की बजाय अपनी आखरत बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए क़्यामत के दिन इंसानों को दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी बहुत थोड़ी महसूस होगी यानी आखरत की हमेशा की ज़िंदगी के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी की कोई हसीयत नहीं तो ये थे जी तलबा जीबात जैल सूरतनाज़ियात जी का तारफ़ और इसमें जो मजामी और इलमी निकात बयान हुए हैं वो थे तो अब मशक़ जो है उसका जो पहला सवाल है वो है मरूजी सवाल तो उस सवाल का जो पहला जुज़ है कि सूरत नाजियात के शुरू में सिफात बयान की गई हैं तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है फरिश्तों की सूरत नाजियात में इबरतनाक अंजाम बयान किया गया है फिरआउ का क्यामत के वाक़ होने का हतमी इलम है सही ऑप्शन है अल्लाह ताला के पास सूरत नाजियात में दावत का जिक्र है दुरुस्त जवाब है इसका हजरत मूसा नाजियात के मुताबिक दुनिया की ज़िंदगी आखरत के मुकाबले में महसूस होगी दुरुस्त जवाब है बहुत थोड़ी तो मशक़ का जो दूसरा सवाल है वो है जी मुख्तर जवाब दीजिए नाजियात की वजह तस्वीर तहरीर करें नाजियात का मानी है सख्त सख्ती से खींचने वाले इस सूरत के शुरू में फ़रिश्तों की मुख्तलफ सिफ़ात बयान की गई हैं जिनमें से एक सिफ्त है सख्ती से काफ़र की रूह खींचने वाले इसी मुनासबा से इस सूरत का नाम सूरत ननाजियात रखा गया है दूसरा जो दिहाजी दूसरे सवाल का सूरत न्नाज़ियात का मरकज़ी मजमून क्या है तो इस सूरत का मरकज़ी मजमून आख़रत का इनकार करने वालों के इबरतनाक अंजाम का बयान है सूरत ननाज़ियात तीसरा जज़् के मुताबिक क़्यामत कब आएगी? क़्यामत का जो हतमी इलम है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। हमें क्यामत के वक्त के बारे में बहस मुबासे की बजाय अपनी आखरत बेहतर बरान बनाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए फ़्र किस चीज़ का दावा करता था फ़िरा जो है वो अपने आखरत का इनकार करता था और खदाई दावेदार था कि वो कहता था मैं तुम्हारा खुदा हूँ मैं तुम्हारा अला हूँ सवाल नंबर तीन है जी तफसीली जवाब दीजिए सूरत पहला जो, जो है इसका सूरत का सूरतनाज़ियात का तारफ तहरीर करें तो इसके तारफ़ में जो हम पहले भी बयान कर चुके हैं इसी वीडियो के शुरू में वो है जी नाज़ियात का मानी है सख्ती से खींचने वाले इस सूरत के शुरू में फरिश्तों की मुख्तल सिफात बयान की गई हैं जिनमें एक सफ है सख्ती से काफ़र की रूह खेचने वाले इसी मुनासबा से सूरत का नाम सूरत नाजियात रखा गया है और सूरत नाजियात का जो मरकज़ी मजमून है वो है आख़रत का इनकार करने वालों का इब्रतनाक अंजाम तीसरे सवाल का जो दूसरा जुज है तफसीली जवाब वो है सूरत नाज़ियात के बनादी बुनियादी मज़ामीन और नकात तो इसमें जो मज़ामीन बयान हुए हैं वो हैं जी फरिश्तों की किस्में और हज़रत मसीम की दावत और इसके अलावा फ़्रोन का जो था ख़दाई दावा उसका तस्करा और उसका फ़िआउ का क्या अंज़ाम हुआ और क्यामत या कायन पैदा करने का अल्लाह का क्या मकसद था कि वो भी इस सूरत में बयान हुआ है आखरत का इनकार करने वालों और ईमान लाने वालों की तरकीब और क़्यामत के दिन नेक और बुरे इंसानों का अंजाम और इसी तरह फरमाया गया कि क्यामत का इलम सिर्फ़ अल्लाह के पास है अल्लाह के अलावा इसकी कोई हतमी इसका इलम किसी के पास नहीं तो ये थे अजीत दर्जा ज़ैल इस सवाल के जवाब और अपना ख्याल रखिए है। मिलते हैं आइंदा वीडियो में जुजाकमल खीर अस्सलामुअलैकुम वरम